सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मैं आपसे संवाद करूंगा भारत देश की उन भूलों के बारे में जिनके करने पर हमने बहुत कुछ खोया अपने देश का। एक किसी कवि ने कहा है, लहमों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। माने भूल कोई होती है वो किसी क्षण विशेष पर होती है, लेकिन उसकी सजा पूरे के पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति और पूरे समाज को सदियों तक भुगतनी पड़ती है। सैकड़ों सालों तक वो सजा हम भुगतते रहते हैं, छोटी सी एक भूल किसी क्षण में हमसे हो जाती है। तो भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले 63 वर्षों में क्या क्या ऐसी बड़ी भूलें हुई हैं जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है, और आजादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूलें हुई हैं जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है, ये दो हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूंगा। व्याख्यान का प्रथम भाग होगा आजादी के बाद हमसे जो भूलें हुई पिछले 63 वर्षों में, और व्याख्यान का दूसरा और अंतिम हिस्सा होगा आजादी के पूर्व हमसे जो भूलें हुई। मैंने इसमें जो कालखंड लिया है, जो समय लिया है, वो आज से लेकर लगभग पिछले 250 वर्षों तक का है। तटस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से हम सब उन भूलों के बारे में गंभीरता से चिंतन करें, और आने वाले समय में भारत स्वाभिमान के अभियान में जब हम लगें और एक संगठन के रूप में हम काम करें, तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भूलें हमारे पूर्वजों ने कर दी, पुरखों ने कर दी, वो भूलें हमें हमारे संगठन में नहीं दोहरानी है। क्योंकि भूलों को दोहराया नहीं जाता, भूलों को जो दोहराते हैं वो अपना इतिहास नहीं बना सकते, उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता, वो वर्तमान में ही दफन हो जाते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी सभ्यताएं वो मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार करती चली जाती है, और दुनिया में वही सभ्यताएं जीवंत मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार समय के अनुसार करती रहती है। तो भारत की सभ्यता के बारे में हम मानते हैं कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है, और शायद इस समय दुनिया में सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है। भारत के बाद की बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है पूरी दुनिया में। तो शायद इसलिए कि समय के साथ हमने भूलों का परिष्कार करना सीखा है, तो भविष्य में भी हम इन भूलों का परिष्कार अपने जीवन में और समाज में कर पाएंगे। इस दृष्टि से थोड़ी सी बातें मैं रख पाऊंगा, क्योंकि भूलें तो बहुत हैं, लेकिन जिन भूलों ने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया, हमारा भूगोल बदल दिया, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को पूरे गहरे तक मथ डाला, जिन भूलों ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया, जिन भूलों के कारण देश के टुकड़े हो गए, ऐसी कुछ गंभीर भूलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आजादी के पिछले 63 वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो ये कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी, जो आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता। लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया, या हमने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा, ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्षों में। आपके मन में सवाल आया कि ये भूल किससे हुई, हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार किया या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया। लोगों की बात अगर मैं करूं आपसे, तो 1937 से भारत में एक राजनीतिक पार्टी बनी, मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और उस राजनीतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया। लेकिन आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए,
धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हमें एक अलग देश चाहिए, मुस्लिम संप्रदाय को एक अलग देश चाहिए या मुस्लिम सभ्यता को एक अलग देश चाहिए, इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को मंजूर नहीं किया। तो आप बोलेंगे फिर जिन्ना कैसे सफल हो गया और जिन्ना की राजनीतिक पार्टी कैसे सफल हो गई पाकिस्तान बनवाने में, भारत के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन नहीं किया। मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक दो ऐसी घटनाएं सुनाना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों का जिन्ना के प्रति कैसा रवैया था। कई बार जिन्ना मुसलमानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए, तुमको अलग देश बनाना चाहिए, सब तरह का विष वो लोगों के मन में भरता था। तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की माला के साथ होता था। लोग गुस्से में आते थे। एक सभा में तो उसको, लाहौर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्ना को जूतों की माला डाल दी लोगों ने गले में और कहा भाग जाओ यहां से, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें तो इसी भारत में रहना है, हमें अलग देश नहीं चाहिए क्योंकि अलग देश होकर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जो मुस्लिम दूसरे नेता हुआ करते थे वो ये कहा करते थे कि अगर अलग पाकिस्तान बना तो एक तरफ तो भारत है ही हमेशा और दूसरी तरफ चीन बैठा है, इतना ताकतवर देश, कभी भी पाकिस्तान को खत्म करा देगा। इसलिए जो जिम्मेदार और समझदार मुस्लिम नेता थे इस देश में, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इनके बहुत सारे सहयोगी मुस्लिम नेता थे, बदरुद्दीन तैयब जी करके एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे, फिरोज शाह करके एक बड़े मुस्लिम नेता हुए इस देश में, ऐसे बहुत समझदार मुस्लिम नेता कहा करते थे कि पाकिस्तान अगर बना तो ना सुखी होगा, ना समृद्धशाली होगा, ना संपत्तिशाली होगा, उल्टा हमेशा दो देशों के बीच में फंसा रहेगा और चक्की में घुन की तरह से पिसता रहेगा, एक तरफ चीन बैठा है दूसरी तरफ भारत तो है ही। इसलिए ज्यादा समझदार मुस्लिम नेता मानते नहीं थे जिन्ना की बात को। फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया। वास्तविकता ये थी कि जिन्ना की ये जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए, इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था। और वास्तविकता जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था, पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था। अंग्रेजों की यह कुटिल नीति थी, उनकी यह कूटनीति थी या उनकी यह दुर्नीति थी कि वो भारत को तोड़कर यहां से छोड़कर जाएं। अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले 500 वर्षों का, दुनिया के लगभग 71 देशों को उन्होंने गुलाम बनाया पिछले 500 वर्षों में। ऑस्ट्रेलिया उनका गुलाम हुआ, न्यूजीलैंड उनका गुलाम हुआ, सिंगापुर उनका गुलाम हुआ, हांगकांग ताइवान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश इंडोनेशिया मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी में गए, चीन भी गुलाम रहा काफी दिनों तक अंग्रेजों का, जापान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, दुनिया के ऐसे 71 देशों में अमेरिका कनाडा भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ऐसे 71 देशों में जहां जहां अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बंटवारा किया था। अफ्रीका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अफ्रीका में अंग्रेजों ने 450 वर्षों की गुलामी लाई थी या 450 वर्षों तक अफ्रीका में अंग्रेजों का साम्राज्य चला था और अफ्रीका के एक एक देश को सीधी सरल रेखा में उन्होंने बांट दिया। अगर आप थोड़ा सा विश्व के मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो अफ्रीका का नक्शा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो देश हैं, जैसे नाइजीरिया है, जैसे सोमालिया है, जैसे इथियोपिया है, जैसे जिम्बाब्वे है, ऐसे अफ्रीका के छोटे बड़े देशों को आप देखेंगे नक्शे में तो सभी देशों की सीमा रेखाएं एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। कोई देश चौकोर है, कोई तिकोना है, कोई पंचकोणीय है, कोई षटकोणीय है, इस तरह से देशों को काटा है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि देश की सीमाएं कभी भी सीधी सरल रेखा नहीं होती।
देश की सीमाएं टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती हैं। भारत की सीमा को देखो, अंग्रेज तो भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते थे, वो तो भारत देश के ऊपर भगवान की कृपा हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष हमको भेज दिया उसी समय में, और उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने अंग्रेजों की चाल को कामयाब नहीं होने दिया, वरना अंग्रेज तो भारत के 565 टुकड़े करना चाहते थे। और भारत को वो ऐसे ही बांटने की योजना लेके आए थे जैसे अफ्रीका को उन्होंने बांटा। तो अफ्रीका के देशों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे, सभी देशों की सीमाएं स्ट्रेट लाइन में है, सीधी सरल रेखा है, ऐसे बांटा है अंग्रेजों ने मनमानी से, मनमर्जी से। तो अंग्रेजों की योजना थी, जैसे अफ्रीका में उन्होंने किया कि देश को छोड़ा तो बंटवारा कराया उस देश का, खंड खंड तोड़ा उस पूरे अफ्रीका के लोगों को, वैसे ही उनकी योजना भारत के लिए थी कि भारत को वो छोड़ेंगे तो एक देश नहीं रहने देंगे, उसको खंड खंड तोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी, उनके राजा हुआ करते थे, उनको भड़काना शुरू किया, उकसाना शुरू किया, और हर एक राजा को अंग्रेज ये कहा करते थे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कि आप चाहो तो भारत से अलग हो सकते हो। और ज्यादातर राजा ये कहा करते थे नहीं, हमको तो भारत में विलय होना है, भारत में मिलना है। तो फिर अंग्रेज उनको और चिढ़ाने के लिए कहते थे कि फिर आपकी मर्जी, भविष्य में आपका क्या होगा हम नहीं जानते। तो इस तरह से राजाओं को भड़का के, राजकुमारों को भड़का कर उनकी योजना थी कि वो भारत को 565 टुकड़ों में तोड़ें। लेकिन उनकी ये योजना कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी योजना को नाकामयाब करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रात दिन एक कर दिया था और जी जान लगा दिया था। इसलिए भारत की अधिकांश रियासतें तीन को छोड़कर, एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, एक रियासत थी उसका नाम था जूनागढ़ जो गुजरात में है, समुद्र के किनारे है, और एक रियासत थी हैदराबाद। ये तीन रियासतों को छोड़कर 562 रियासतों ने अंग्रेजों की किसी बात को नहीं माना था, और उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत की आजादी के साथ हम भारत में ही रहेंगे, भारत में ही विलय होंगे, हमारा भारत से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। तो अंग्रेजों की चाल कामयाब नहीं हुई, 562 रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया था और वो विलय हो गए। तीन रियासतें अंग्रेजों की चाल में फंसी थी, जम्मू कश्मीर फंसा, हैदराबाद फंसा और जूनागढ़ फंसा। इन तीन रियासतों को अंग्रेजों ने भड़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप भारत से अलग हो जाओ, एक नया राष्ट्र बनाओ। तो जम्मू कश्मीर में यह मांग शुरू हुई थी कि हम भारत से अलग एक नया राष्ट्र बनाएंगे। इसी तरह जूनागढ़ का जो राजा था वो मुसलमान था, उसने ये कहना शुरू किया था कि हम तो पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। और हैदराबाद का जो निजाम था वो भी ऐसी बातें करता था, वो कहता था या तो मैं स्वतंत्र हूं नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाऊं, भारत में तो नहीं मिलूंगा। लेकिन सरदार पटेल की होशियारी ने और सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ने इन तीनों राज्यों को थोड़े समय के बाद फिर से भारत में मिला लिया था। अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद ये तीनों रियासतें भारत में आकर मिली। ये एक कहानी है जो अंग्रेजों की समझ, माने हमारी समझ अंग्रेजों के बारे में बनाने के लिए, जानने के लिए आवश्यकता है। दूसरी एक कहानी कि जब अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा कि ज्यादातर भारत की रियासतें अलग नहीं हो रही हैं, वो सब भारत में ही मिलने को तैयार हैं, तब उन्होंने जिन्ना को अपनी मोहरा बनाकर, अपनी गुट्टी बनाकर खेलना शुरू किया। जिन्ना को अंग्रेजों ने एक प्यादे की तरह से इस्तेमाल किया, शतरंज का जो खेल होता है ना उसमें कुछ प्यादे होते हैं, वैसे ही जिन्ना अंग्रेजों का प्यादा बना। और जिन्ना के पीछे अंग्रेज तब से लगे हुए थे जब मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गया था, बैरिस्टर हुआ था वो, लंदन से उसने पढ़ाई की थी, तब से अंग्रेजों ने जिन्ना को देख रखा था। और जब वो भारत लौटा तो सब तरह का सहयोग करके जिन्ना की एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम मुस्लिम लीग पड़ा। ये मुस्लिम लीग को बनाने के लिए सारा पैसा अंग्रेजों ने दिया जिन्ना को, और ना सिर्फ पैसा दिया बल्कि अंग्रेजों ने अपने अखबारों में मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा और बखान करवाना शुरू किया। अंग्रेजों के जो अखबार निकला करते थे इस भारत देश में, जिन्ना की पार्टी के बारे में खूब बड़ी बड़ी खबरें छपती थी,
छोटा सा कोई कार्यक्रम जिन्ना की पार्टी करे तो अंग्रेजों के अखबार में मुख्य पृष्ठ पर उसका समाचार छपता था। और इस तरह से जिन्ना को हवा भरी अंग्रेजों ने और धीरे धीरे तैयार किया कि तुम तो अलग देश मांगो पाकिस्तान, भारत में रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया, लेकिन भला हो भारत के मुसलमानों का, उन्होंने जिन्ना का समर्थन नहीं किया। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कुछ मुसलमानों को, बंगाल के कुछ मुसलमानों को और खासकर बिहार के कुछ मुसलमानों को जो जिन्ना के साथ थे, पैसे देकर, फंड देकर, रिश्वत देकर, लालच देकर, घूस देकर तैयार करवाना शुरू किया कि तुम भी पाकिस्तान मांगो। तो बंगाल में एक नेता निकल आया, उसका नाम था सोहरावर्दी, और वो जिन्ना के साथ मिलकर एक दूसरा नेता बना जिसने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें संप्रदाय के आधार पर बंटवारा चाहिए। तो इस तरह से पाकिस्तान की मांग 1937 के बाद इस देश में खड़ी की गई। अंग्रेजों की पूरी ताकत उसमें लगी, पैसा लगा, उनकी शक्ति लगी, उनकी अकल लगी, उनकी बुद्धि लगी, और इस तरह से ये बात बढ़ती चली गई। बाद में क्या हुआ, 1942 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में, जब उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू हो गया था और जर्मनी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। उस समय जर्मनी का जो हिटलर था उसने अंग्रेजों को इतना मारा था, इतना पीटा था कि हाल खराब हो गया था इनका। बम गिराए थे इतने पूरे इंग्लैंड पर कि लाखों लोग मर गए थे, और यूरोप के और देश जो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे वो भी पिट गए थे। तो अंग्रेजों की 1942 तक हालत बहुत खराब हो गई। तो अंग्रेजों ने परोक्ष रूप से ये कहना शुरू कर दिया कि शायद अब भारत में वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे या भारत में ज्यादा शासन नहीं कर पाएंगे। और 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, तब तो अंग्रेजों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि अब भारत छोड़कर वो चले जाएंगे। और 1946 में बाकायदा उसकी घोषणा हो गई और 47 में 15 अगस्त को वो चले गए। लेकिन जब 42 से अंग्रेजों का ये मन बन गया कि उनको भारत से चले जाना है, छोड़ देना है, तो उन्होंने भारत के नेताओं से बिना बताए हुए ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करना शुरू किया। और उन नेताओं में बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए जिन्ना था, और जिन्ना को फिर से उन्होंने यही बात समझाना कि अलग पाकिस्तान ले लो, अलग देश ले लो, तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, और ये सब चलना हो गया और आगे ये बढ़ता चला गया। अंत में यह हुआ, महात्मा गांधी एक बड़े नेता थे उस समय आजादी के आंदोलन के, उन्होंने एक संकल्प ले रखा था, वो ये कि भारत का बंटवारा होगा नहीं किसी भी कीमत पर। और महात्मा गांधी ने पूरे देश में यह ऐलान कर दिया था कि भारत बटेगा नहीं, भारत एक रहेगा, अखंड रहेगा। अगर भारत का बंटवारा कोई करना चाहता है तो उसको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए, मैं होने नहीं दूंगा। और एक दिन तो इतनी कठोर बात कही उन्होंने कि भारत का बंटवारा बाद में होगा, पहले मैं मरूंगा और मेरी लाश पे भारत का बंटवारा होगा। तो गांधी जी ने यह ऐलान कर रखा था। और आपको शायद मालूम है ये बात कि भारत के करोड़ों नागरिक गांधी जी के साथ थे, तो करोड़ों लोग भी गांधी जी के संकल्प के साथ थे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग गांधी जी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बंटवारा नहीं कराना है। तो माउंटबेटन नाम का एक आदमी भेजा गया इंग्लैंड से, और उसको इसलिए भेजा गया कि वो जाकर भारत का बंटवारा कराने में मदद करे। और माउंटबेटन को भारत में अंग्रेजों का आखिरी वॉयसराय माना जाता है, आखिरी गवर्नर जनरल माना जाता है। उसने आके जो गोटियां बिछाई उसके आधार पर भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि तैयार हुई। उसने क्या किया, जिन्ना को और ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित करा के एकदम से पक्का खड़ा कर दिया कि हमको तो पाकिस्तान ही चाहिए। तो बातचीत शुरू हुई, और उस बातचीत में जो अंदर के दस्तावेज हैं, जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कि जिन्ना एक बार महात्मा गांधी से मिलने गया। महात्मा गांधी ने जिन्ना को पूछा, भाई तुमको क्या चाहिए? कि पाकिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे प्रधानमंत्री होने का है, अलग मुसलमानों का देश बनाने का है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के मुसलमान तो चाहते नहीं कि अलग पाकिस्तान बने, वो तो तुम्हारे साथ है नहीं। तो जिन्ना ने कहा कि नहीं, मेरे साथ बहुत मुसलमान है। तो गांधी जी ने कहा कि देश में एक जनमत संग्रह करा लो। तो जिन्ना उस बात से पीछे हट गया। फिर गांधी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुमको प्रधानमंत्री ही होना है ना, तो भारत के हो जाओ,
इसमें क्या बुराई है? लेकिन देश तो एक रहे, देश तो नहीं टूटे। तो जिन्ना तुरंत तैयार हो गया और गांधी जी को लगा कि इसकी यही कमजोरी है कि ये प्रधानमंत्री होना है इसको। अब जिन्ना ने जब ये मान लिया कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं तो उसने कहा फिर भारत नहीं बंटवारा मुझे करना, फिर भारत को नहीं तोड़ना, माने प्रधानमंत्री पद चाहिए। अब जिन्ना के सामने जो व्यक्ति थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने एक ऐसी कड़वी बात कह दी जिसमें सारे देश की दिशा बदल गई। मैंने आपसे कहा था, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कि थोड़े से किसी क्षण विशेष पर हम एक मामूली सी भूल करते हैं और वो देश के लिए पूरा इतिहास बदल देती है। जब नेहरू जी के सामने ये बात आई कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर रहा है और वो देश का बंटवारा नहीं चाहता, तो गांधी जी ने संदेशा भिजवा दिया कि ठीक है, जिन्ना को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेने में कोई गलती नहीं है, अगर देश टूटने से बचता है तो इसको प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू जी ने एक बहुत कड़वा वाक्य कहा। परम पूजनीय स्वामी जी हम लोगों को बार बार ये कहते रहते हैं और मैं इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुनता हूं कि भाषा का प्रमाद नहीं होना चाहिए, बोली में प्रमाद नहीं होना चाहिए, और वो प्रमाद नेहरू जी की बोली में आ गया। नेहरू जी ने पब्लिक एक स्टेटमेंट कर दिया, पूरे देश की जनता के सामने उनका बयान आ गया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता, माने सीधी सी बात है कि मैं उनको अपने मंत्रिमंडल का चपरासी नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। और ये बात जिन्ना के दिल में तीर की तरह से चुभ गई और जिन्ना ने फिर कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। और यही अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों ने फिर उस मौके को लपक लिया और जिन्ना को थोड़ी और हवा दी और थोड़ा भड़का दिया और फिर उसने मारकाट शुरू करा दी। एक डायरेक्ट एक्शन प्लान शुरू हुआ था बंगाल में और जिन्ना के मुस्लिम लीग पार्टी के जो सदस्य हुआ करते थे उन्होंने तलवारें निकालकर हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया था बंगाल में। और इस बयान के बाद सारी स्थिति और परिस्थिति बदल गई। महात्मा गांधी बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह से बात बन जाए, लेकिन वो बात नहीं बनी और जिन्ना उसके बाद फिर माना नहीं और गांधी जी को मिलने भी नहीं आया। फिर उसने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं उनके मंत्रिमंडल का चपरासी बनने लायक नहीं हूं, तब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तो मैं नया देश बना के ही रखूंगा और उसका प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा। अच्छा, जिन्ना का जो एक डॉक्टर था जो उसका इलाज करता था, उस डॉक्टर ने कोई सूचनाएं लोगों को भिजवाई थी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को यह जानकारी दी थी कि यह जिन्ना ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, इसको बोन टीबी हो गई है, ये 2-4-6 महीने जिंदा रहेगा उसके बाद मर जाएगा, इसको प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो बन लेने दो, देश तो एक रहेगा, बंटवारा नहीं होगा। लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात पे ध्यान नहीं दिया और अंत में फिर वो हुआ। अंग्रेज तो तैयार बैठे थे, तो अंग्रेजों ने अपनी संसद में एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इस कानून की परिभाषा में यह तय किया गया कि इस कानून के पास होते ही भारत के दो हिस्से हो जाएंगे, एक भारत रहेगा, दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान कहां कहां हो जाएगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने और भारत कहां कहां रहेगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने। और इस तरह से ये बंटवारा हो गया। और आपको इतिहास की एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो दर्द देती है दिल में, वो ये कि पाकिस्तान मिलने के थोड़े महीने के बाद ही जिन्ना मर गया, सच में मर गया, और वो टीबी से मर गया, उसको बोन टीबी थी। तो बार बार उसके डॉक्टर की बात याद आती है कि उसका डॉक्टर ये कहा करता था कि ये 5-6 महीने का मेहमान है, इसको बन लेने दो प्रधानमंत्री, बाकी तो फिर पूरा देश हमारा ही है। लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लिया, अगर ले लिया होता तो भारत की ये ऐतिहासिक गलती हमसे नहीं हुई होती और पाकिस्तान नाम का देश अलग नहीं हुआ होता और ये भारत एक अखंड देश रहता। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिन्ना तो मर गया और मरने के बाद फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपकी आंखों के सामने है, उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक मामले में मैं दखल नहीं देना चाहता। लेकिन जितना मामला भारत से जुड़ा हुआ है वो ये है, अब इस मामले का अंतिम जो
वो निकला सच बन के सामने कि बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान, तो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है और हिंदुओं को पाकिस्तान से भारत आना है। बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और बहुत सारे हिंदुओं ने पाकिस्तान से भारत में आने को मना कर दिया, तो फिर मारकाट शुरू हुई और सारी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि एक देश के दो टुकड़े हुए तो इतने लाख लोगों की मारकाट कभी किसी देश में नहीं हुई जो भारत में हुई, भारत और पाकिस्तान के बनने पर लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ है। उसके सही सही आंकड़े नहीं मिलते। पाकिस्तान के आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, लाखों मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, लाखों छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया गया। उस जमाने के दस्तावेज को पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। भर भर के गाड़ियों में, ट्रेनों में, बसों में, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, खच्चर में लोग ढेर के ढेर इधर से उधर, उधर से इधर जाते थे। किसी को अपना घर छोड़ना पड़े, संपत्ति छोड़नी पड़े, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति छोड़नी पड़े और उजड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़े, इसका दर्द वही बता सकता है जिसका उजाड़ हुआ है घर। और भारत में ऐसे लाखों परिवार हैं, शायद मैं कहूं तो अब कुछ करोड़ परिवार ऐसे होंगे जो उजड़कर पाकिस्तान से भारत में आए और सब कुछ उन्होंने वहां छोड़ा था, कुछ नहीं ला पाए और यहां लाकर शून्य से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज भगवान की कृपा से वो शिखर तक भी पहुंचे। प्रणाम है उनकी मेहनत को, वंदन है उनकी मेहनत को कि पाकिस्तान से उजड़ कर आए, कुछ हाथ में नहीं था, अकेले आए। किसी की पत्नी छूट गई वहां पर, किसी का पिता छूट गया, किसी की बेटी छूट गई, किसी की बहन छूट गई, किसी की माँ छूट गई, किसी का कुछ छूटा, किसी का कुछ छूटा और किसी तरह से मारते पीटते भागते भूगते यहाँ आकर उन्होंने कहीं कहीं आशियाने बनाए और आशियाने बनाकर भारत देश को और अपनी इस मातृभूमि को उन्होंने मान लिया कि अब यही हमारी मातृभूमि है, यही कर्म भूमि है और उसकी सेवा में लग गए। और भगवान ने भी उनको उनकी मेहनत का फल दिया कि आज वो काफी अच्छे व्यवस्थित हैं। लेकिन ये बंटवारे का दर्द उनके दिल में जो टीस मारता रहता है, ये शायद कब जाएगा मालूम नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। कुर्सी के एक पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा सत्ता का समझौता नहीं हो सका जो सबको समावेश कर सके और उसी में ये सारा खेल खेल लिया और अंग्रेजों ने आग में घी डाल दिया। उनका तो पहले से मन था कि पाकिस्तान को बनवाना ही है और ये हमारे देश में एक बड़ा उन्होंने विष का बीज बो दिया। अब ये विष का बीज ऐसा हमारे लिए मुश्किल बन गया है, गले की फांस बन गया है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब वो जो तीन राज्य भारत में मिलने को तैयार नहीं थे, जम्मू कश्मीर, एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद, तो बंटवारा हो गया, भारत की सरकार भारत में बन गई, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बन गई। तब सरदार पटेल ने कोशिश की कि ये जो तीन राज्य हैं, इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए। तो जूनागढ़ राज्य को उन्होंने मिला लिया, बाद में हैदराबाद भी भारत में मिल गया, क्योंकि सरदार पटेल ने दोनों राजाओं को ये कहा था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम्हारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी जनता की इसके लिए अनुमति नहीं है। हैदराबाद रियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया था, क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री बन चुके थे, उन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षण ये कराया था कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से पूछो वो क्या चाहते। तो पता चला 97% लोगों ने यह कहा कि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हौसला बढ़ा, उत्साह बढ़ा और उन्होंने हैदराबाद के निजाम को कहा कि तुमको जाना है तो चले जाओ, ये राज्य तो भारत में ही रहेगा क्योंकि यहाँ के नागरिकों का कहना है कि हम भारत में रहना चाहते हैं। और हैदराबाद का निजाम फिर तैयार नहीं हुआ तो एक दिन सरदार पटेल ने उनको संकेत में एक धमकी दी थी कि निजाम ये समझ लेना कि मैंने मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, जब तक मैं तुम्हें झेल रहा हूं तब तक झेल रहा हूं। जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि अब सीमा खत्म हो गई है झेलने की, तो 2-4 घंटे ही लगेंगे, भारत की एयर फोर्स के जवान, भारत की सेना के जवान तुम्हारे हैदराबाद में उतरेंगे और एक झटके में पूरा हैदराबाद भारत में मिल जाएगा।
और उसके समानांतर हैदराबाद रियासत में एक संग्राम चल रहा था, पूरी रियासत को भारत में मिलाओ नागरिकों की तरफ से एक आंदोलन चल रहा था। और इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आर्य समाज के नेताओं की। आर्य समाज के नेता पूरे हैदराबाद रियासत में उस समय सक्रिय थे, और भारत के कुछ समाजवादी नेता जैसे श्री राम मनोहर लोहिया और उनकी एक बड़ी फौज, ये सब इस बात के लिए सक्रिय थे कि हैदराबाद को भारत में मिलाना है। तो हैदराबाद रियासत के गांव-गांव में ये नेता घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और जनता को समझा रहे थे कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना है, भारत में रहना है। तो उसका फल मिला था, उस प्रचार का बहुत बड़ा फल मिला था। जनता ने यह फैसला कर लिया था कि हम तो भारत में ही रहेंगे। तो निजाम एक दिन फिर भाग गया भारत छोड़कर, और भारत में पूरा हैदराबाद राज्य मिला लिया गया। और इसी तरह से जूनागढ़ का हुआ, जूनागढ़ का भी सारा का सारा राज्य इसी तरह से भारत में मिलाया गया। अंत में जम्मू कश्मीर का मामला आया, और जम्मू कश्मीर के मामले में हुआ यह था कि जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उनके दिल में अंग्रेजों ने ये जोत जला दी, अलग देश बनाना, अलग राष्ट्र बनाना, बफर स्टेट बनाना, और वो इसी का गाना गाते रहते थे। और अंग्रेजों के मन में था कि ये जम्मू कश्मीर तो अलग हो ही जाए जैसे पाकिस्तान अलग हुआ, और अंग्रेज उस आग में घी डाल रहे थे। उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ तो महाराजा हरि सिंह के हाथ पांव फूल गए। उनके पास पूरी सेना नहीं थी जो पाकिस्तान के हमले का सामना कर सके, और महाराजा हरि सिंह को यह दिख गया कि अब तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक पहुंचने वाली है, अब ज्यादा दूर नहीं है, और अब तो ये श्रीनगर भी गया, जम्मू भी गया, सब कुछ गया। तो उनके दिल में था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, अब तो लगा कि ये पाकिस्तानी राष्ट्र बन जाएगा। तो अंत में उन्होंने हथियार डाले और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपने प्रधानमंत्री को भेजा और कहा कि अब आप हमें बचाओ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम क्यों बचाएं आपको, क्यों बचाएं, जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है नहीं, और आप तो कहते हो कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, तो अपना स्वतंत्र देश बना लो, हम आपको क्यों बचाएं। तो जो प्रधानमंत्री था महाराजा हरि सिंह का, बहुत होशियार बहुत चतुर व्यक्ति था, उसने कहा कि इस समय बहस करने का समय नहीं है, बाद में हम तय कर लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तानियों से तो हमें बचाना है अपने राज्य को। तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं मेरी सेना भेज सकता हूं और पाकिस्तानियों को हमारी सेना गाजर मूली की तरह से काट देगी, लेकिन एक शर्त है। तो शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप बिना किसी शर्त के भारत में मिलने का फैसला करो और ऐलान करो कि भारत में आपका पूरा राज्य का विलय होगा, उसी कंडीशन पे भारत की सेना आपको बचाने के लिए आएगी। क्योंकि तकनीकी रूप से जब तक आप भारत देश से जुड़ते नहीं है तब तक भारत की सेना आपकी रक्षा क्यों करेगी, क्योंकि भारत की सेना तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है। और जम्मू कश्मीर चूंकि भारत का अंग नहीं बन पा रहा है और आपने ऐलान कर दिया है कि इसको स्वतंत्र देश बनाना है, तो हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री भागा भागा वापस गया महाराजा हरि सिंह के पास और कहा कि सरदार पटेल ने तो ना कह दिया, सेना तो नहीं आएगी, जब तक हम भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते, भारत के साथ विलय के संधि पत्र पर हम हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक भारत की सेना नहीं आएगी और हम तो अब मारे जाएंगे। और उस समय पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक में थी, हमला करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, कबायली लोग पाकिस्तानी सेना में भरपूर मदद कर रहे थे। तो महाराजा हरि सिंह ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। और सरदार पटेल के सामने जब ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महाराजा हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया है, तो फिर सरदार पटेल ने आदेश किया कि अब भारत की सेना जम्मू कश्मीर कूच करेगी। तो भारत की वायु सेना ने और थल सेना ने रातों रात 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चलाया वो दुनिया का सबसे अद्भुत ऑपरेशन था। हजारों सैनिक उतार दिए जम्मू कश्मीर में, और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अद्भुत था। आप कल्पना कर सकते हैं, श्रीनगर तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो, आप सोचो कहां तक आ गई सेना, वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो, तब भारत की सेना ने एंट्री की थी, प्रवेश किया था, और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया था, और पाकिस्तानी फिर उल्टे पैर भागे वहां से,
और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुंच गई और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारत की सेना के कब्जे में आ गया। और भारत की सेना के कब्जे में आ गया तब भारत के सैनिक इतने उत्साह से भरे हुए थे, इतने जोश से भरे हुए थे कि भारत के प्रधानमंत्री को वो बार बार कह रहे थे कि आप कुछ करना मत, बस थोड़ी मोहलत और दे दो, लाहौर और कराची अब हमारे हाथ में आने वाला है, ये ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसी समय फिर हमसे एक भूल हो गई और उस भूल की चर्चा मुझे करनी है। वो भूल क्या हो गई? भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के गृह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम का नियम है कि जब युद्ध विराम की घोषणा की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात रखनी पड़ती है और पूरी कैबिनेट उस पे सही माने और मंत्रिमंडल का सबका हां हो जाए तब प्रधानमंत्री उसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ना उनकी सहमति ली, उन्होंने अपने मन से घोषणा कर दी और वो घोषणा भी उन्होंने ऐसे नहीं कि लोगों के सामने, रेडियो पे जाके कर दी। दिल्ली का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, वहां गए और जाकर घोषणा कर दी और अपनी तरफ से दुनिया भर को यह कह दिया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में इस जम्मू कश्मीर के मामले को हल करेंगे। माने संयुक्त राष्ट्र महासंघ आए और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैठे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महाराजा ने यह बोल दिया था, अक्षर कर दिए थे, दस्तावेज उसके मौजूद हैं कि वो तो भारत में विलय कर चुके हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को ये कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं, विवादित क्षेत्र मानते हैं और इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में होगा। बस वहीं से ये एक छोटा सा बयान हमारे गले की फांस बन गया और हड्डी बन गया। अब पाकिस्तान बार बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित क्षेत्र है और भारत ने तो बोला है कि इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लोग आए जम्मू कश्मीर में रहें, भारत की सेना वहां से हटाई जाए, पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह कराया जाए और वो जनमत संग्रह के आधार पर जो तय हो उससे तय किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। अब तकनीकी बात जो मैं कह रहा हूं कि वो पहले विलय हो चुका था जम्मू कश्मीर का, तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था, लेकिन वो एक बड़ी भूल हो गई और उसी भूल ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय दुनिया में बना रखा है। भले हमारे लिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और विवादित क्षेत्र में चौधरियों को घुसने का, दखल करने का अधिकार है, तो जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र को भी दखल करने का अधिकार है। और वहीं से यह सारा मामला खिचड़ी बन गया, खटाई में पड़ गया। अच्छा खासा पूरा जम्मू कश्मीर वहां के महाराजा ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ विलय कराया, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के एक छोटे से बयान ने सारे मामले को बिगाड़ दिया। अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में आप जानते हैं अमेरिका दादा है, जो अमेरिका चाहता है वहां वही होता है, जो अमेरिका चाहता है वहां के लोग वही करते हैं और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि यह जम्मू कश्मीर का मामला सुलझ जाए, क्योंकि वो ये मानता है अमेरिका कि भविष्य में जम्मू कश्मीर कभी अमेरिका की मदद करने के लिए आएगा, इसलिए इसको विवादित ही रहने दो, क्योंकि विवादित क्षेत्र में घुसने के लिए रास्ता खुल जाता है। अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर में? अमेरिका की यह रणनीति है कि भविष्य में कभी भी चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के सैनिकों के लिए शरण स्थली बन सकता है। भविष्य में चीन के खिलाफ अमेरिका को हवाई हमला करना पड़ा तो अमेरिका से हवाई जहाज आकर चीन पर हमला तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना पेट्रोल उनमें नहीं चल पाएगा कि अमेरिका से उड़ान भरें और चीन पे आकर हमला करें। अमेरिका के हवाई जहाजों को उड़कर पहले उतरना पड़ेगा भारत के किसी इलाके में,
जो चीन के नजदीक है, फिर दोबारा उसमें ईंधन भरा जाएगा, तब जाकर वो हमला कर पाएंगे। तो अमेरिका को दिखाई देता है जम्मू कश्मीर बहुत सुरक्षित है, चीन की सीमा वहां से लगती है, तो भविष्य में कभी चीन से युद्ध लड़ना पड़ा अमेरिका को, तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के लिए एयरबेस का काम करेगा, और ये एयरबेस तभी तक काम करेगा जब तक जम्मू कश्मीर विवादित है। इसलिए अमेरिका इस मामले को हल होने ही देना नहीं चाहता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब जब ये विषय आया, जब जब ये बहस हुई, अमेरिका ने वीटो लगाकर इसको फंसाया और इसको हल नहीं होने दिया, और आज तक ये हल नहीं हो पा रहा है। और ये हल नहीं हो पा रहा है तो उसका अंतिम दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना हक जमाता है, और जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि हम भारत में रहेंगे। आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर की जनता क्यों कहती है भारत में रहेंगे, इतनी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, और इतनी बार भारत की पार्टियों को लोगों ने वोट दे दिया है, और इतनी बार वहां भारत के नेताओं की सरकारें बन चुकी हैं, इससे बड़ा प्रमाण और सबूत क्या चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही रहना चाहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो अमेरिका से पैसा पाते हैं, जिनको पाकिस्तान से धन आता है, वो अलग राग अलापते रहते हैं, और उन्होंने कुछ संगठन बना रखे हैं, और उन संगठनों की मदद से गाहे बगाहे वो एक शगुफा छोड़ते रहते हैं, और उनका एक ही शगुफा है, प्लेबिसाइट होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए। अब मैं मानता हूं कि वोट की राजनीति से बड़ा जनमत संग्रह और कौन सा होता है, और आपने देखा है कि एक चुनी हुई सरकार वहां पर है, उसके पहले भी वोट हुए हैं, और उसके पहले भी चुनी हुई सरकार बन चुकी है, तो सारी दुनिया को यह नहीं दिखाई देता कि वहां चुनी हुई सरकारें बन रही हैं और वोट की ताकत पर बन रही हैं। उनको तो वो जनमत संग्रह वाली बात, प्लेबिसाइट वाली बात दिखाई देती है, जो गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकल गई और हमारे लिए फास्क बन गई, गले की हड्डी बन गई। अब इसी को आधार लेके आतंकवाद चल गया है, इसी को आधार लेकर आतंकवादी गतिविधि चल रही है, और उन आतंकवादी गतिविधियों से एक इलाका है जो पूरी तरह से प्रभावित है, और वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि वहां रहने वाले मूल निवासियों को अपने घर छोड़कर, द्वार छोड़कर, संपत्ति छोड़कर भागकर कहीं दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में रहना पड़ रहा है। ये भारत में ही हो रहा है, दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। अपने ही देश के मालिक, अपने ही देश के राजा, अपनी ही संपत्ति और सभ्यता के मालिक, अपनी सब संपत्ति, सभ्यता, संस्कृति को छोड़कर कहीं शरणार्थी की तरह से जीवन बिता रहे हैं। मैं तो जम्मू में गया हूं, दिल्ली में गया हूं, मैंने वो इलाका देखा है जहां जम्मू कश्मीर से निष्कासित पंडित, जम्मू कश्मीर के पंडित बहुत दर्द भरी जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी पीढ़ियां गुमनामी में खो रही हैं, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति गुमनामी में खो रही है। ये सबसे बड़ा दर्द हमारे देश को मिला आजादी के पिछले 63 वर्षों में, छोटी छोटी कुछ भूलों ने इतना बड़ा हमको सजा दे दिया है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या सीखना है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जो इस पूरी दुर्घटना से हमें सीखना है वो ये कि कभी भी हम प्रमाद ना करें और ऐसी भाषा और ऐसी बोली का इस्तेमाल कभी ना कर दे कि भविष्य में हमारा एक छोटा सा वाक्य भारत स्वाभिमान के पूरे काम के लिए मुश्किल बन जाए। इस पूरी दुर्घटना से जो सीख लेने की जरूरत है, और दूसरा उन्माद में आकर, आवेश में आकर, जोश में आकर, होश को खोकर कुछ ऐसा ना कर बैठे जो भविष्य के भारत के लिए खतरा बन जाए। इस भूल से हमें यही जानना और सीखना है। एक और भूल के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो थोड़े दिन बाद हुई। पाकिस्तान को हमने हरा दिया, जम्मू कश्मीर को आजाद करा लिया, भारत का अंग भी बन गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और आप जानते हैं 1965 में हमला किया। 1965 के पाकिस्तानी हमले के पहले 1962 में चीन का भी हमला हुआ, और चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई। भारत देश में चीन के राष्ट्रपति आए थे चाउ एन लाई, और उनकी भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई थी, और वो भारत में आकर ये बात करके गए थे कि भारत और चीन तो भाई भाई हैं, कभी भविष्य में इनके दुश्मन होने की कोई संभावना नहीं है। अब चीन के राष्ट्रपति की इस बात को भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रह्म वाक्य मान लिया,
और भारत के प्रधानमंत्री ने उससे ज्यादा जोर से कहना शुरू कर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब चीन एक आंख लगा के बैठा था भारत पर, और वो भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था, और यहां आकर उनका राष्ट्रपति कह रहा था कि भारत और हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने की, क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए, और वो इलाके का नाम क्या है आप सभी जानते हैं। हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख के साथ लगा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको अक्साई चिन कहा जाता है। ये अक्साई चिन हजारों साल से लद्दाख का अंग रहा, हजारों साल से। जितने पुराने से पुराने दस्तावेजों को खोल कर देखो तो पता चलता है कि अक्साई चिन का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का अभिन्न अंग है, और चीन की नजर उस अक्साई चिन पर लगी हुई थी। भारत की आजादी के पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ सांठगांठ भी की थी और संधि भी की थी। एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अक्साई चिन का एरिया चीन को दे देने की घोषणा की थी। बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे। तो ये जो अक्साई चिन है वो लद्दाख का क्षेत्र रहा हजारों वर्षों से। चीन को वो चाहिए था, अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास, और अंग्रेजों ने घोषणा भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संधि करें तो बदले में अक्साई चिन चीन को दिया जा सकता है, बस एक ही शर्त है कि चीन तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे। चीन ने वो नहीं किया, तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी, तो अंग्रेज पीछे हट गए और उन्होंने कहा अक्साई चिन भी हम चीन को नहीं दे सकते। वहां से यह विवाद शुरू हुआ। आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अक्साई चिन भारत से लेना है, इसलिए चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। और उस हमले के पहले की परिस्थिति अपने देश में यह थी कि भारत के प्रधानमंत्री हर जगह भाषण करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी और चीन में तो कभी झगड़ा होगा नहीं, युद्ध होगा नहीं, तो इसलिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं, सेना को रखने की जरूरत नहीं, सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, तो भारत में हथियार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद कराने का आदेश आया। क्यों? क्योंकि सेना के ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है। जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन, वहां के राष्ट्रपति बोलकर चले गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो अब तो क्या हमें प्रमाण पत्र चाहिए, अब तो चीन हमारा भाई हो गया, अब हमको तो लड़ना नहीं है, उत्पादन करना नहीं है, सेना पे खर्च बढ़ाना नहीं है, और सेना पर जो खर्चा होगा वो किसी और विकास के काम में खर्च करेंगे। तो सरकार की ये नीति बन गई तो पूरी सेना ढीली पड़ गई, सेना को हथियारों की सप्लाई कम हो गई, सेना के ऊपर खर्च होने वाला पैसा कम हो गया, सेना के लोगों को मिलने वाली तनख्वाहें कम हो गईं। इस तरह से सेना में काफी कुछ मानसिक रूप से असंतुलन, शारीरिक रूप से असंतुलन आ गया, और तैयारी में तो बहुत कमी आई। चीन ने मौका देख लिया और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया, और उस हमले में बड़ी फजीहत हुई। चीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर, तो भारत की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी इस हमले के लिए। सेना को सपने में भी भरोसा नहीं था कि चीन से हमला होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं था कि चीन हमला करेगा, लेकिन वो हमला हो गया। और हमला हुआ तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी। आनन फानन में हमारे 1383 सैनिक शहीद हो गए थोड़े ही समय में। और जब इतने सैनिकों की मृत शरीर आने लगे सीमा पर से, तब भारत में खलबली मची, और खलबली मची और फिर यह तैयारी शुरू हुई कि चीन की सेना का जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए। तब तक चीन हमारे 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुका था, और 72,000 वर्ग मील जमीन जब चीन के कब्जे में आई तो चीन के राष्ट्रपति ने एक दिन अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि अब हम युद्ध विराम करते हैं। और इस तरह से युद्ध विराम, खुद युद्ध शुरू किया, खुद से युद्ध विराम भी कर दिया, क्योंकि जो इलाका लेना था वो ले लिया उन्होंने। और वही 72,000 वर्ग मील हमारी जमीन आज तक चीन के कब्जे में है। और परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दर्द आपके सामने कहा
कि हमारे देश का कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में, ये 1962 की लड़ाई में हमसे छिना, या 1962 के युद्ध में एक तरह से हमारी पराजय हुई और उस पराजय में ये इलाका हमारे हाथ से चला गया और आज तक ये हमारे हाथ में वापस नहीं आया। दुख और दुर्भाग्य ये है कि भारत की संसद ने कई बार अपने प्रस्ताव पारित किए और ये कहा कि भारत का जो इलाका विदेशियों के कब्जे में है उसको वापस भारत में लाना है। संसद में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल आज तक नहीं हो पाया और आजादी के 63 वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया, वो गया सो अपने हाथ से निकल ही गया। और उसके बाद चीन ने एक नया शिगुफा खड़ा कर दिया कि अक्साई चिन का कुछ एरिया तो उसने हमसे छीन ही लिया जिसमें कैलाश मानसरोवर जैसा क्षेत्र चला गया। हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है जिसको कभी एक जमाने में अंग्रेजों की भाषा में नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, उत्तरी पूर्व का जो इलाका है अरुणाचल, अब चीन कहता है कि यह भी हमारा। और अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको तवांग कहते हैं। चीन पता नहीं कहां से झूठे सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने और कहता है कि ये तवांग तो हमारा है, ये कभी तिब्बत का अंग रहा है और तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है इसलिए तवांग चीन का होना चाहिए। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जब भी भारत के प्रधानमंत्री जाए या भारत के राष्ट्रपति जाए तो चीन के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आ जाता है कि ये हमारा क्षेत्र है। भारत के प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं? ये हमारा क्षेत्र है, भारत के राष्ट्रपति क्यों जा रहे हैं? और अरुणाचल प्रदेश और उस तवांग के क्षेत्र में विकास के काम के लिए अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था मदद दे तो चीन उसमें अड़ंगे लगा देता है, रोड़े अटका देता है और कहता है कि यह संस्था आप भारत को मदद नहीं, मुझे बात करो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, भारत नहीं तय करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा। तो अब हमारी सरकार के लिए फजीहत यह हो गई है कि जो गया इलाका उसकी बात तो सरकार ने करना ही बंद कर दिया, अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दावा करना शुरू कर दिया। अब हमारी सरकार पूरी ताकत से अरुणाचल प्रदेश का ही डिफेंस करने में लगी रहती है, कभी चीन के सामने ऑफेंसिव नहीं हो पाती हमारी सरकार। कितना चालाक देश है चीन, जो इलाका लेना था वो ले लिया युद्ध करके और भारत की सेना की पराजय हो गई और हमारे देश की सेना की तैयारी नहीं थी इसलिए पराजय हो गई, अगर तैयारी होती तो शायद नहीं होती पराजय, तो वो चला गया। अब नया इलाका भी लेना है उसके लिए दबाव बनाना उसने शुरू कर दिया है। आप अगर दैनिक नियमित समाचार पत्र पढ़ते हो और अखबार के साथ पत्रिकाएं पढ़ते हो तो अक्सर आपको ये खबर आती होगी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया, चीन ने तवांग पर अपना दावा पेश किया, चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखा रखा है, चीन ने अपने नक्शे में तवांग को दिखा रखा है, जबकि ये दोनों क्षेत्र भारत के हैं और भारत के कब्जे में है। तो वहां एक छोटी सी गलती हुई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि चीन हमारा भाई है, हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश होते हैं ना उनके संबंध एक जैसे और स्थिर कभी नहीं होते, हर देश के संबंध उस देश की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से घटते बढ़ते हैं या बदलते रहते हैं। कोई देश आज हमारा भाई है कल को दुश्मन हो सकता है, कोई देश हमको ये कहेगा कि हम तो आपके सबसे सच्चे मित्र हैं, कल को पता चला कि वही सबसे ज्यादा विषधर है और हमको काट खाएगा और पूरा विष और जहर हमारे देश में घोल देगा। इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी, लेकिन वहां गलती हो गई और हम हमारा 72,000 वर्ग मील इलाका गंवा बैठे जो आज तक नहीं आया। और दुख और दर्द यह है कि भारत के किसी नागरिक को कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है और उनकी अनुमति के बिना हम हमारे कैलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते। इतनी गुलामी की स्थिति हमारी है कैलाश मानसरोवर के बारे में। हजारों यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं और वो वहां बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जाता है, उसका एक अंश भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का। ऐसी स्थिति हमारे देश की बन गई।
तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई कि हजारों वर्ग मील हमारा इलाका चला गया, हमारा पवित्र तीर्थ स्थान चला गया और हमारे देश के लोगों का मनोबल टूटा और सेना का मनोबल टूटा वो अलग। और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की 1962 की जो हमारी पराजय हुई, इस पराजय ने ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जान ली। उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोखा कर दिया, जिस देश पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने धोखा कर दिया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए, इस देश को और दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद भारत की कमान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया इस देश में। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दो बातें कही पूरे देश को, एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है, चाहे इसके लिए कितने भी संसाधन जुटाने पड़े, चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े, लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसाधनों को जुटाना है, क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के ऊपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्ग मील जमीन हमारे हाथ से जाएगी। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीति को उलट दिया। शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीति थी सेना पर खर्चा नहीं करना, युद्ध के सामान का उत्पादन नहीं करना, हथियार नहीं बनाने। अब शास्त्री जी ने उलट दिया कि सेना के ऊपर ही सबसे ज्यादा खर्चा करना है और युद्ध के हथियारों के ऊपर खर्चा बढ़ाना है और जो कारखाने बंद कराए गए हैं उनको फिर से उत्पादन में लगाना है। तो पूरे बजट का लगभग 25% हिस्सा उन्होंने सेना के लिए आवंटित किया। भारत के इतिहास में वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट का 25% हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया और सेना को खुली छूट दी कि आप तैयारी करिए और ऐसी तैयारी करिए कि कल युद्ध लड़ना है, दुश्मन कभी भी फिर आ सकता है, पलटवार कर सकता है। तो सेना में चाक चौबंदी शुरू हुई, सेना में हथियार बनना शुरू हुए, ताकत बढ़ी। और शास्त्री जी ने ये जो नारा लगाया था ना, वो खाली नारा नहीं था, जय जवान, जवानों की जय होनी ही चाहिए, इसके लिए उन्होंने करके दिखा दिया। ताकत बढ़ी, सेना में सब काम फिर अच्छे से शुरू हो गए और सेना की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1965 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ, आप सभी जानते हैं। और पाकिस्तान इस गलत फहमी में था कि भारत की सरकार की नीति ऐसी है कि सेना की मदद कम करो, पैसे कम खर्च करो, तो पाकिस्तान इस गलत फहमी में था कि इस समय भारत पर हमला करेंगे तो जम्मू कश्मीर को ले लेंगे हम, क्योंकि भारत की सेना कमजोर है, क्योंकि चीन से पराजित हो चुकी है, क्योंकि चीन से हार चुकी है। तो पाकिस्तान ने 1965 में, माने चीन युद्ध खत्म होने के लगभग 2-2.5 वर्षों में ही पाकिस्तान का हमला फिर हो गया, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि भारत का प्रधानमंत्री बदल चुका है, भारत की नीतियां बदल चुकी हैं, भारत की सेना बदल चुकी है, सेना की तैयारी बहुत हो चुकी है, हथियार उनके पास बहुत आ गए हैं, गोला बारूद भरपूर है उनके पास। तो जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना 1965 में, तो बहुत बुरी पराजय हुई पाकिस्तान की, बुरी तरह से मारा भारत की सेना ने पाकिस्तान को। और आप हैरान हो जाएंगे, हमला शुरू होने के 12 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे। पाकिस्तानी सेना के जो सेना नायक है ना, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1965 के युद्ध में तो हम ऐसे बुरे फंसे, हमको कल्पना नहीं थी कि भारत की सेना इतनी ताकत से जवाब देगी, हम तो इस कल्पना में थे कि अभी जाके दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे हम तो। एक पाकिस्तानी सेना नायक ने मजाक में कह दिया था कि सवेरे की चाय लाहौर में पिए, अब शाम का खाना मैं दिल्ली में खाऊंगा। तो इस कल्पना से आए थे वो तो हमला करने के लिए, लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि दांत खट्टे हो गए और 12 दिन में पाकिस्तानी सेना का 80% गोला बारूद खर्च हो गया। 12 दिन में इतनी भयंकर लड़ाई हुई, इतनी भयंकर मारामारी हुई। परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे पाकिस्तान को लगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा। और भारत की सेना ने जब मारना शुरू किया था ना पाकिस्तानी सेना को, तो लाहौर तक इलाका कब्जे में ले लिया। फिर लाहौर तक भारत की सेना पहुंच गई 1965 में।
अब पाकिस्तान का डर बढ़ गया कि ये लाहौर गया हाथ से, फिर कराची गया, फिर इस्लामाबाद गया, फिर हैदराबाद गया, अब बचेगा क्या? तो पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास पहुंचा और अमेरिका के राष्ट्रपति को गुहार लगाई और उनसे कहा कि मुझे बचाओ, हमें बचाओ, अब भारत तो कब्जा कर लेगा पूरा, उनकी सेना लाहौर तक पहुंच गई है। तब अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमला मैंने नहीं किया था, हमला पाकिस्तान ने किया था, अब मुझे उसका पूरी ताकत से जवाब देने का अधिकार है, इसलिए मैं मेरी सेना को पीछे नहीं बुला सकता। तो अमेरिका परेशान हो गया और अमेरिका श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जानता था कि ये व्यक्ति दबाव में नहीं आने वाला है। क्यों? एक घटना उसके पहले घटित हो चुकी थी। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने ना, तो अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश में। एक योजना चलती थी, आप में से कई बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा, आपने तो देखा भी होगा, शायद खाया भी होगा वो गेहूं, लाल रंग का गेहूं आता था। PL 480 नाम की एक योजना चलती थी। पी का मतलब होता है पब्लिक, एल का माने होता है लॉ, और 480 अमेरिका के कानून के तहत एक व्यवस्था है, PL 480 पब्लिक लॉ 480, उसके तहत अमेरिका दूसरे देशों की मदद करता है। तो भारत की मदद करता था, लाल रंग का गेहूं आता था, जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था। कारण क्या था? भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था, जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था, तो वो गेहूं हमें लेना पड़ता था और उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थी। तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़ा फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है। तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खा सकते तो भूखे मरने के लिए तैयार रहिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूखे मरना मंजूर है, लेकिन अपमान के साथ विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं। तो सेक्रेटरी हैरान हो गया और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। और उन्होंने भारत के लोगों को एक दिन अपील की, सोमवार का दिन था, दिल्ली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई, लाखों लोग इकट्ठे हुए और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गेहूं की बहुत कमी है, अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं आ रहा है, ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है, इसलिए आप भी ये गेहूं मत खाइए। तो लोगों ने कहा नहीं खाएंगे। तो शास्त्री जी ने कहा इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा। लोगों ने हाथ उठा के कहा भूखे रहेंगे और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन व्रत रखना शुरू कर दिया था और संपूर्ण भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूखा रहना शुरू कर दिया। हमारे देश में करोड़ों माताएं हैं जो आज भी सोमवार को व्रत रखती हैं। मैं कई बार उनको पूछता हूं ये सोमवार को व्रत क्यों रखती हैं, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए? तो वो कहती है नहीं, शास्त्री जी को वचन दिया था। तो मैं कहता हूं माता, अब शास्त्री जी का वचन तो उनके साथ चला गया, वो तो उन्होंने वचन इसलिए लिया था कि देश में गेहूं का उत्पादन बहुत कम है, हम कम खाएंगे तो विदेशों से गेहूं नहीं लाना पड़ेगा, अब तो देश में भरपूर गेहूं पैदा हो रहा है और इतना पैदा हो रहा है कि हम खाएं, हमारे पड़ोसियों को खिलाएं और उससे ज्यादा चूहों को खिलाएं, हमारे देश में 2 करोड़ टन गेहूं तो चूहे खा जाते हैं हर साल, तो अब गेहूं की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो माता जी टस से मस नहीं होती, वो कहती है नहीं नहीं, सोमवार को तो व्रत ही रखना है क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया। माने भारत के लोग कितने पक्के हैं कि शास्त्री जी को कभी वचन दिया 1965 में और उस वचन को निभा रहे हैं सन 2010 में। तो ऐसे करोड़ों भारतवासियों के संकल्प से दो बातें हुई, एक तो गेहूं की खपत कम हुई, अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई, और फिर देश में गेहूं उत्पादन की योजना बनी और उसने गेहूं उत्पादन बढ़ा दिया। तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे, तो अमेरिका को मालूम था कि इस व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं पड़ने वाला, तो अमेरिका ने शास्त्री जी के सबसे नजदीकी मित्र को पकड़ा और वो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति। सोवियत राष्ट्रपति उस समय जो थे उनको शास्त्री जी से काफी नजदीकी थी, लगाव था, उनको पकड़ा और कहा कि शास्त्री जी को रोको नहीं तो पाकिस्तान तो गया, और पाकिस्तान गया तो अमेरिका की भविष्य की सारी योजनाएं गई, और भारत की सेना चूंकि लाहौर तक पहुंच गई है इसलिए अब ज्यादा देर नहीं है।
तब शास्त्री जी के ऊपर सोवियत संघ का दबाव पड़ा, फिर सोवियत संघ के दबाव में शास्त्री जी ने युद्ध विराम करवाया। युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। वो समझौता करने के लिए वो ताशकंद गए और ताशकंद के समझौते में जो तय हुआ वो ये कि भारत की सेना ने जितना इलाका जीत लिया है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और बदले में पाकिस्तान भारत के ऊपर कभी भी भविष्य में हमला नहीं करेगा, ऐसा वायदा करता है। तो पाकिस्तान ने लिखित रूप में यह कहा और उसके दस्तावेज मौजूद हैं कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे, आंख उठाकर नहीं देखेंगे, बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए और जो इलाका भारत की सेना के कब्जे में है वो हमें वापस कर दिया जाए। शास्त्री जी ने भारत की पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुए उदारता दिखाई और जीता हुआ इलाका जो सेना के कब्जे में था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया। लाहौर तक गई हुई सेना वापस आ गई और उस सेना ने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद हम शांत हो गए। शास्त्री जी के साथ एक दुर्घटना हो गई कि इस समझौते को करने के लिए जब वो ताशकंद गए थे तो 8 दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ जो वार्ता चली, 9वें दिन वार्ता पूरी हो गई थी और वो दिन था 10 जनवरी का। रात को शास्त्री जी आराम से सोए, लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे। क्या हुआ? वो रात को सोते थे तो दूध पीते थे, ये उनका नियम था और वो दूध उनका नौकर उनको बना के देता था। तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोईया गया था इस काम के लिए, लेकिन उस रसोईये का ताशकंद में अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके एक नकली रसोईये को शास्त्री जी के यहां भेज दिया गया और उस नकली रसोईये ने शास्त्री जी के दूध में जहर मिला दिया और वो जहर मिला दूध पीकर उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका मृत शरीर वापस आया इस देश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था। और दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया, और शायद आपने भी वो सुना होगा, वो ये कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक बताया गया पूरे देश को, मीडिया में, अखबार में, टेलीविजन पे, रेडियो में खबर चली और बार बार एक ही खबर दिखाई गई कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई। जब कारण पूछे गए सरकार के लोगों से कि शास्त्री जी की हृदय गति कैसे रुक सकती है, क्योंकि उनका ना ब्लड प्रेशर हाई था, ना उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, ना उनका ट्राइग्लिसराइड हाई था, वो एकदम स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, जब गए थे तो सब कुछ सामान्य था, क्योंकि आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री का हर दिन चेकअप होता है, तो शास्त्री जी के जो डॉक्टरों ने चेकअप करके दिया था उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था, ना बीपी बढ़ा है, ना ट्राइग्लिसराइड, ना कोलेस्ट्रॉल, फिर उनकी हृदय गति कैसे रुक सकती है। तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने ऐसा मूर्खता का जवाब दिया, इतना खराब जवाब दिया, उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मृत्यु इसलिए हो गई कि उनको बहुत ज्यादा खुशी हो गई। तो बहुत ज्यादा खुशी किस बात की हो गई? कि पाकिस्तान को उन्होंने सरेंडर करा दिया और पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने विजय पा ली। तो इतनी खुशी हुई शास्त्री जी को कि उनकी हृदय गति रुक गई। ऐसा मूर्खतापूर्ण बेकार का जवाब पूरे देश को दिया गया। फिर शास्त्री जी का जब मृत शरीर आया तो कई लोगों ने यह मान की कि अगर इनकी हृदय गति रुकी है तो इसकी सच्चाई तो पता चल सकती है, इनके मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया और भारत सरकार ने शास्त्री जी के मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जैसे ही उनका मृत शरीर आया जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो अंतिम संस्कार के बाद बात वहीं दब गई और उसके बाद कुछ कमीशन बैठे, इंक्वायरी हुई, उसमें से ये बात निकली, लेकिन रास्ते में वहीं भटक गई और आज तक सारा देश इसी अंधकार में है कि शास्त्री जी को हृदय गति से मृत्यु हुई जबकि उनको जहर दिया गया था। तो भारत में इस तरह की भूलें होती रही, हमारी सेना जीतती रही और जीते हुए इलाके को देती रही,
दुश्मनों के हाथ में, दुश्मनों के ऊपर विजय करते रहे और उनको माफ करते रहे। वो पराजित हुए दुश्मन, फिर भी हम उनको माफ करते रहे और वही दुश्मन हमारे लिए नाग बन के डसते रहे, वो स्थिति आज हमारे देश में है पाकिस्तान के द्वारा जो हो रहा है। तो हमारे देश में आजादी के पिछले 63 वर्षों में ऐसी राजनीतिक भूलें हुई हैं। एक राजनीतिक भूल और हुई है 1971 में जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान का हमला हुआ, उस युद्ध में भी हमने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई, उनको धूल चटाई, उनको पराजित किया। और उस युद्ध में तो आपको हैरानी होगी, 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान का हमला भारत पर हुआ और भारत ने इतना करारा जवाब दिया, 3 दिसंबर 1971 को युद्ध किया था पाकिस्तान ने शुरू, 16 दिसंबर 1971 तक पूरा पाकिस्तान पराजित हो चुका था और पाकिस्तान की सेना के 97,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वो पूरी सेना पाकिस्तान की लगभग आधी सेना थी, तो पाकिस्तान की आधी सेना भारत के कब्जे में आ गई और फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और फिर अमेरिका से उसने गुजारिश की कि भारत से बचाओ। फिर अमेरिका का दबाव भारत सरकार पे आया और उस दबाव में हमने पाकिस्तान के 97,000 सैनिकों को छोड़ दिया। अगर ये भूल हमने नहीं की होती तो पाकिस्तान का ये आतंकवाद जो इतना बढ़ा, ये आतंकवाद के कारण हमको जो इतना नुकसान उठाना पड़ा जम्मू कश्मीर और भारत के सभी इलाकों में, ये नुकसान कभी नहीं होता अगर 1971 में पाकिस्तानी सेना के 97,000 सैनिकों को हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया होता। वो हमारे कब्जे में थे, हम चाहते वो उनके साथ करते, लेकिन दुख है कि उन 97,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की जेलों में रखा गया, 5 महीने तक उनको बिरयानी खिलाई गई, अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी किया गया। किसके लिए? एक शिमला समझौते के लिए, और शिमला समझौता वैसा ही कुछ था जैसे ताशकंद समझौता था। फिर हमने छोड़ा पाकिस्तान को पराजित करके और फिर पाकिस्तान ने वही किया हमारे साथ। तो पिछले आजादी के 63 वर्षों में, और आखिरी कोशिश पाकिस्तान ने जो की थी वो आप सभी जानते हैं, कारगिल युद्ध के रूप में हमारी आंखों के सामने आई। वो कारगिल युद्ध भी पाकिस्तान के दुस्साहस का प्रतीक था। तो आजादी के पिछले 63 वर्षों में जो राजनीतिक भूलें हमसे हुई हैं वो कुछ ये हैं जो हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई हैं और बहुत गंभीर हो गई। और पिछले 63 वर्षों में हमसे कुछ आर्थिक भूलें भी हुई हैं, और वो आर्थिक भूलें जो हुई उनमें सबसे बड़ी भूल जो हुई वो 1966 में हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के दबाव में आकर और खासकर अमेरिका के दबाव में आकर भारत के रुपए का अवमूल्यन किया। भारत का रुपया 1966 के पहले तक अमेरिका के डॉलर के लगभग बराबर था। आपको हैरानी होगी यह जानकर, 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का एक रुपया अमेरिका का एक डॉलर के बराबर था। 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का एक रुपया ब्रिटेन के एक स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था। और भारत का रुपया स्टर्लिंग पाउंड और डॉलर के बराबर था तो रुपए की ताकत थी और क्रय शक्ति उस समय बहुत थी। बाद में भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने रुपए का अवमूल्यन किया और 1966 में 3 जून को रुपए का 57% अवमूल्यन कर दिया गया, 57% डिवेल्युएशन हो गया रुपए का। परिणाम क्या हुआ? डॉलर 57% महंगा हो गया, रुपया 57% सस्ता हो गया। और उसके बाद एक सिलसिला चला कि रुपए की कीमत गिरती ही गई, गिरती ही गई, गिरती ही गई, गिरती ही गई। और मुझे आपसे ये बात कहते हुए बहुत दुख है, तकलीफ है कि हमने जब रुपए की मूल्य का आकलन किया था, जब सबसे पहले भारत आजाद हुआ था, लगभग 1 रुपया 1 डॉलर, थोड़े दिन में 4 रुपया 1 डॉलर, फिर 7.5 रुपए 1 डॉलर, फिर 12 रुपए 1 डॉलर, फिर एक दिन अचानक से 21 रुपए 1 डॉलर, फिर एक दिन पता चला 32 रुपए 1 डॉलर, फिर 38 रुपए 1 डॉलर, फिर 42 रुपए, फिर 46 रुपए, और अब 48 रुपए 1 डॉलर, और एक दिन तो 50 रुपए 1 डॉलर तक पहुंच चुका है। इतने रुपए की कीमत गिर चुकी है। माने आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमारी अपनी गलती से, हमारी अपनी भूल से रुपए का
इतना अवमूल्यन हुआ है। अगर एक रुपया एक डॉलर को ध्यान में रखें और अब 50 रुपए एक डॉलर है तो रुपए का अवमूल्यन लगभग 50 गुना हो चुका है। और ये रुपए के अवमूल्यन के 50 गुने होने का मतलब रुपए की कीमत 5000% कम हो चुकी है। और ये कीमत कम होने का मतलब हमारे ऊपर विदेशों का कर्जा 50 गुना बढ़ चुका है। अगर हमने 1947 में एक डॉलर का कर्ज लिया हो, अब 2010 में उसको वापस करना हो, तो जब हमने कर्ज लिया था तो एक रुपया था एक डॉलर, अब कर्ज वापस देना है तो जो एक रुपए का कर्ज था वो 50 रुपए में वापस होगा। तो कर्ज 50 गुना बढ़ा लिया, कर्ज का ब्याज 50 गुना बढ़ गया, और विदेशी कंपनियों को जो मुनाफा यहां से हो रहा है वो 50 गुना बढ़ गया, क्योंकि डॉलर 50 गुना ताकतवर हो गया। ये बहुत बड़ी आर्थिक भूल हमने की 1966 में, और इस भूल को लगातार होने दिया और होते होते आज रुपया इतना कमजोर हो गया। दुनिया का कोई देश अपनी करेंसी की ताकत को कम नहीं होने देता, लेकिन भारत ने अपने रुपए की ताकत को इतना कम होने दिया। ये आर्थिक भूल हमसे बहुत बड़ी हुई। और इसी तरह की एक आर्थिक भूल पिछले 63 वर्षों में हमसे हुई। 1991 में जो कल मैं आपसे कह रहा था वो ये कि विदेशी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे हमने खोल दिए। जिस विदेशी कंपनी को भारत से भगाया था 1942 में, जिस विदेशी कंपनी के लिए हमने नारा लगाया था भारत छोड़ो, आज उन विदेशी कंपनियों को हम दरवाजा खोल के वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं वापस आओ और भारत को लूट कर चले जाओ। तो जो कंपनी गई थी वो फिर वापस आ गई, और अकेली नहीं आई है, अब हजारों कंपनियां आई हैं। पहले एक कंपनी को भगाते रहे 250 साल तक, अब 5000 कंपनियां आ गई। उनके लिए उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति, और इन कंपनियों ने अंधाधुंध लूटना शुरू किया है इस देश को, और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले जा रहे हैं। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं, यहां सिर्फ संकेत में कह रहा हूं। तो आजादी के पिछले 63 वर्षों में कई राजनीतिक भूलें हुई हैं और कई आर्थिक भूलें हमसे हुई हैं, और उनका दुष्परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। आजादी के बाद में एक और भूल हुई है जो बड़ी राजनीतिक भूल है, जिसका संकेत परम पूजनीय स्वामी जी कर चुके हैं। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया, और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ, और उसमें संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। 395 तो अनुच्छेद हैं, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है, शास्त्र जैसा, आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं, हमने बनाया। तो बहुत बार मेरे मन में यह आता था कि मात्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने, इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए। जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि इस संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया, अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए, और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में यह कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा।
पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार हो गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ? वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 years और 94 amendments। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, ऐसे भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये सबके सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस कल्पना को ये संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, ये पक्का है। और उनके बयान आज हमारे सामने है, 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि यह संविधान ना देश का भला कर पा रहा है ना समाज का भला कर पा रहा है। यह एक बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो हमारी गुलामी के लिए था, उस पर आधारित हमारी आजादी का संविधान कैसे अच्छा हो सकता है? और एक और ऐसी ही भूल हमसे हो गई, वो ये कि अंग्रेज जब गए तो उन्होंने जितने कानून बनाए थे भारत पर राज्य करने के लिए, वो सारे कानून हमने जैसे के तैसे रख लिए, उसमें थोड़ा भी फेर बदल नहीं किया। अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए थे भारत को गुलाम रखने के लिए, आजादी के बाद भी वही 34,735 कानून चल रहे हैं। कुछ और नए कानून हमने बनाए हैं, वो पुराने कानूनों को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उनसे कुछ अलग नहीं। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है इंडियन पुलिस एक्ट, 1860 में बना, वही अभी तक चल रहा है। अंग्रेजों का एक कानून है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, वो 1861 में बना, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का एक कानून है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो 1861 में बना, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का एक कानून है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वो अंग्रेजों ने बनाया, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो उन्होंने बनाया, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का बना हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वो अंग्रेजों का है, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का बना हुआ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो अंग्रेजों ने बनाया, आज भी चल रहा है। ऐसे 34,735 कानून जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखने के लिए बनाए, वही आजादी के बाद चल रहे हैं। इसलिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि आजादी तो आई नहीं है, ये तो अधूरी है, ये तो अंग्रेजों को हमने भगाया, लेकिन अंग्रेजियत को तो हम भगा नहीं पाए अभी तक। अंग्रेजों के बनाए गए कानून हैं तो अंग्रेजियत भी इस देश में है। और इसी तरह की एक भूल हमसे हुई, अंग्रेज आए थे तो उनकी भाषा आई अंग्रेजी, अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी को भगा देना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज तो भाग गए, अंग्रेजी अभी भी इस देश में है और हम सबके लिए तकलीफ का कारण बनी हुई है। भारत में मात्र 1% लोग अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे तक सारा काम अंग्रेजी में होता है।
सुप्रीम कोर्ट में बहस अंग्रेजी में होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अंग्रेजी में होती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में आते हैं, ना वादी अंग्रेजी जानता है ना प्रतिवादी अंग्रेजी जानता है, वो अपने फैसले को समझ नहीं पाता, बहस क्या हो रही है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ पाता, चुपचाप बेचारा खड़ा खड़ा देखता रहता है और कानून कहता है कि हम उसके लिए न्याय कर रहे हैं। सबसे बड़ा अन्याय तो ये है कि उसकी भाषा में उसके फैसले नहीं आ रहे हैं, और हाई कोर्ट में भी अक्सर बहस अंग्रेजी में होती है। भारत की बड़ी बड़ी केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षाओं को पास करना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है, भारत की सेना में भर्ती होना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है, और माफ कीजिएगा सिर्फ 1 करोड़ से कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं इस देश में, तो उनके लिए तो भारत सब कुछ है, और जिन 114 करोड़ को अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए भारत तो बेगाना देश बना हुआ है, कोई दूसरा देश बना हो। ये भाषा भी अंग्रेजों की अभी तक हम नहीं भगा पाए, ये भी हमसे भूल हो गई, ऐसी कई भूलें हमने आजादी के 63 वर्षों में की, और आजादी के पहले जो भूल हमने की है, सबसे बड़ी भूल जिसका भुगतान आज तक ये देश कर रहा है, एक राजा था जहांगीर उसका नाम था, उसने अंग्रेजों की एक कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया, और मैं मानता हूं कि पिछले 500 साल की सबसे बड़ी भूल वही हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने जब व्यापार करने का लाइसेंस दिया सन 1618 में, तो शायद जहांगीर को यह भी नहीं मालूम होगा कि यह कंपनी एक दिन भारत को गुलाम बना लेगी। उसने तो अंग्रेजों से व्यापार के लालच में लाइसेंस दे दिया, और वही लाइसेंस हमारे लिए इतना भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ गया कि सारा देश अंग्रेजों की गुलामी में लगभग 250 वर्षों के लिए चला गया। पहले कंपनी की गुलामी की हमने, फिर उसके बाद में अंग्रेजों की सरकार की गुलामी की हमने। 1618 से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में हम रहे। 1757 के बाद अंग्रेज सरकार और कंपनी की मिलीजुली गुलामी में हम रहे, और 1860 के बाद तो सीधे अंग्रेजों की सरकार की गुलामी में हम आ गए, और इस गुलामी में सबसे बड़ा नुकसान हमारा यह हुआ कि आर्थिक रूप से हमारी बहुत लूट हुई, और अंग्रेजों ने इतना लूटा इस देश को, शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने कितना लूटा और कैसे लूटा, मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन 2-3 आपको उदाहरण जरूर दे सकता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहां आते थे और लूट मार करते थे। सबसे बड़ा अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, बाद में उसी को वॉयसराय कहना शुरू किया अंग्रेजों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो गवर्नर जनरल इस देश में आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 की यह कहानी है, वो बंगाल के राजा के पास आया था, बंगाल का उस समय राजा था उसका नाम था सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के पास रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा था और उसने ये कहा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते। क्यों? तो सिराजुद्दौला ने कहा कि अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं है, ये जहां व्यापार करने के लिए घुसते हैं उसी राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए मैं मेरे राज्य में अंग्रेजों को नहीं आने दूंगा। उसने मना कर दिया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी और उसने ये कहा कि अगर आप मुझे व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते तो मैं बंगाल पर हमला करूंगा और बंगाल राज्य को जीत लूंगा और उसके बाद मैं यहां पर व्यापार करूंगा। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हमला करके देख लो, अगर तुम विजयी हो गए तो बंगाल तुम्हारा है, और मैं विजयी हुआ तो तुमको बंगाल से भगा दूंगा और जाना पड़ेगा। इस आधार पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को आपने बचपन में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी एक छोटा सा स्थान है कलकत्ता के नजदीक में, मैदान है एक, वहां पर युद्ध तय हुआ और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जब दस्तावेज देखना शुरू किया मैंने तो पता चला कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कोई युद्ध ही नहीं हुआ। क्या हुआ? अंग्रेजों ने
सिराजुद्दौला को चुनौती दी थी युद्ध की। तो सिराजुद्दौला की सेना जब आई युद्ध के लिए तो अंग्रेजों की सेना से वो बहुत बड़ी थी। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की सेना का सेनापति, इसके पास सिर्फ 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसके पास 18,000 सैनिक थे। अब आप कल्पना करिए कि अंग्रेजों के 350 सैनिक और भारतीय सेना के 18,000 सैनिक, युद्ध में कौन जीतेगा? तो आप कहेंगे भारत की सेना जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी सेना है और रॉबर्ट क्लाइव की सेना तो बहुत छोटी सी है, तो उसने युद्ध का पैतरा बदल दिया और उसने एक चालाकी की। और चालाकी क्या की कि अपना एक आदमी उसने सिराजुद्दौला की सेना में भेजा और उस आदमी को यह कहा कि तुम जाकर यह पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की सेना में कौन व्यक्ति है जिसको रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है, भ्रष्टाचार करके अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। तो उसका दूत गया सिराजुद्दौला की सेना में पता करने। तो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था मीर जाफर, वो पैसे का थोड़ा लालची था और कुर्सी का भी लालची था। तो मीर जाफर के पास जब ये गया सैनिक अंग्रेजों वाला, तो मीर जाफर को उसने एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव दिया कि मीर जाफर तुम अंग्रेजों से मिल जाओ तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे। तुम अभी तक सेनापति हो, हम तुमको राजा बना देंगे। मतलब सीधा सा यह है कि मीर जाफर को प्रपोजल दिया गया कि तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो मीर जाफर ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुमको एक ही काम करना है, युद्ध नहीं करना, हमारे ऊपर हमला नहीं करना। तो क्या करना? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम तुम्हारे सैनिकों को बोलो कि वो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें, और हम आत्मसमर्पण जब करा लेंगे तुम्हारी सेना से तो तुम्हारी सेना और हमारी सेना मिल जाएगी, मिलकर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे और सिराजुद्दौला मर जाएगा, फिर तुमको राजा बना देंगे। तो मीर जाफर तैयार हो गया, उसको लालच आ गया और अंग्रेजों ने उसको यह भी कहा कि 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। तो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में और राजा बनने के लालच में वो पिघल गया, फिसल गया। उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली और उस संधि के आधार पर 18,000 सैनिकों के सेनापति मीर जाफर ने 350 अंग्रेजी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया। और अंग्रेजों के 350 सैनिकों ने 18,000 सैनिकों के ऊपर जीत हासिल कर ली। अभी 18,000 सैनिक और अंग्रेजों के 350 सैनिक मिलकर एक हो गए और इन्होंने प्लान बना लिया कि सिराजुद्दौला को मार देना है। तो सिराजुद्दौला को मारने के लिए ये प्लासी के मैदान से चले घोड़े पर सवार होकर। तो रॉबर्ट क्लाइव आगे आगे था, 350 उसके सैनिक पीछे थे और उसके पीछे 18,000 सैनिक थे और उन्हीं में मीर जाफर भी था। तो ये सब घोड़े पर चढ़कर गए, कहां गए? मुर्शिदाबाद नाम के एक शहर तक गए, क्योंकि उस जमाने में राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की और राजा जो था वो मुर्शिदाबाद में रहता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं मेरे सैनिकों के साथ भारत के 18,000 सैनिकों को बंदी बनाकर चल रहा था, घोड़े पर मैं आगे आगे बैठा हुआ था, भारत के सैनिक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और सड़क पर रास्ते के दोनों तरफ भारत के हजारों लोग हमारा जुलूस देख रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने एक बात लिखी है अपनी डायरी में कि जो भारत के लोग मेरा जुलूस देख रहे थे वो मेरे जुलूस पर तालियां बजा रहे थे, और जो भारत के सैनिकों को मैंने बंदी बनाया है वो आज्ञाकारी सैनिकों की तरह सिर झुकाकर चले जा रहे थे। फिर वो कहता है काश एक भी भारतवासी ने मुझे पत्थर उठा के मारा होता तो मैं उसी दिन मर गया होता और भारत का इतिहास उसी दिन बदल गया होता। लेकिन ये भारतवासी पत्थर नहीं मारते हैं, ये तालियां बजाते रहते हैं और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों किनारे खड़े होते रहते। ये बहुत दर्दनाक वाक्य है। रॉबर्ट क्लाइव खुद लिख रहा है
कि भारत के हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और 18,000 सैनिक अंग्रेजों के सामने सिर झुका के चले जा रहे हैं। अगर किनारे खड़े नागरिकों ने और सैनिकों ने मिलकर रॉबर्ट क्लाइव को दबोच लिया होता या पत्थर मार दिए होते, एक एक पत्थर भी उठा के मार दिया होता, तो 18,000 पत्थर में तो रॉबर्ट क्लाइव का कचूमर निकल गया होता और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य उसी दिन इस देश में समाप्त हो गया होता। लेकिन हम वो नहीं कर पाए और देश का इतिहास दूसरी दिशा में चला गया। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर का एक भतीजा था मीर कासिम, उसको राजा बना दिया थोड़े दिन के लिए, फिर मीर कासिम को हटा दिया, फिर मीर जाफर को राजा बना दिया और एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को मरवा दिया और खुद वो बंगाल का राजा बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित करके चला गया। इतिहास की ये बहुत बड़ी भूल है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। हमारे पुरखों की ये भूल जिसने हमको 250 साल गुलामी में डाल दिया, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। जिंदगी में कुछ गलतियां होती हैं जिनको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन कुछ भूलें होती हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिमालयन ब्लंडर, हिमालय जैसी बड़ी भूल, शायद ये वही थी जो हमसे हो गई और उसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव 7 साल तक रहा बंगाल का गवर्नर जनरल बनके, और उसने लूटा बंगाल को, लूट कर धन इकट्ठा किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और जब भरपूर मात्रा में धन इकट्ठा हो गया तो लंदन चला गया। लंदन की पार्लियामेंट में उसको एक बार पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए, तो उसने कहा कि सोने चांदी हीरे जवाहरात भारत से लेके आया, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लेके आया। तो उसको पूछा गया कितना लेके आए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जवाब दिया कि मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज बता सकता हूं। और वो अंदाज क्या है, तो वो कहने लगा कि भारत से सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े, इतना धन और संपत्ति मैं भारत से लेके आया। फिर उसको पूछा गया कि ये जहाज कितना बड़ा, तो वो कहता है कि एक जहाज में कम से कम 60 से 70 मीट्रिक टन सोने के सिक्के आ सके, इतना बड़ा। तो 60 से 70 मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 60 से 70,000 किलोग्राम सोना आए, इतना बड़ा एक जहाज और ऐसे 900 जहाज भर के वो यहां से ले गया, तो आप कल्पना करिए कितना लूटा भारत को। और ये रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था भारत को लूटने वाला। रॉबर्ट क्लाइव आया लूटकर चला गया, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया वो लूटकर चला गया, फिर उसके बाद हमारे देश में 84 अंग्रेजों के गवर्नर जनरल आए, रॉबर्ट क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग्स केनिंग कर्जन लिलिथगो और विलियम वेंटिंग डलहौजी, और अंतिम गवर्नर जनरल जो उनका, जिसको हम माउंटबेटन कहते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक 84 गवर्नर जनरल आए और सबने लूटा है इस भारत को, किसी ने छोड़ा नहीं है। अंतर इतना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ ज्यादा लूटा, दूसरे उतना नहीं लूट पाए, लेकिन लूटते ही रहे हैं और यह लूट का धन इंग्लैंड ले जाते रहे हैं। हम लोगों ने यह 84 गवर्नर जनरलों द्वारा लूटा गया भारत से जो धन है उसका एक अनुमान लगाया है, पूरा पक्का तो पता नहीं चल पाता लेकिन एक अनुमान है, और वो अनुमान है कि करीब 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इन अंग्रेजों ने लूटी है भारत देश से। 300 लाख करोड़, इतना बड़ा धन और संपत्ति यहां से लूटा। एक छोटी सी भूल हुई जहांगीर से, उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया। दूसरी भूल हमसे हुई कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला बल्कि उसके जुलूस का तालियां बजाकर स्वागत किया, और ये दो भूलें इतनी भारी पड़ गई पूरे देश को कि अंग्रेजों का साम्राज्य 250 वर्षों तक चल पड़ा। आपके मन में और एक प्रश्न आएगा कि क्या इसके अलावा और भी कुछ भूलें हुई हमसे? हाँ हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया
और जहांगीर नाम के राजा ने वो लाइसेंस दे दिया, तो जहांगीर थोड़े दिन के बाद मर गया और जहांगीर के स्थान पर फिर एक दूसरा मुगल बादशाह आ गया और उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली इस देश में तो अंग्रेजों के साथ उसका जबरदस्त युद्ध हुआ और सन 1688 में औरंगजेब ने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हार गई और औरंगजेब की शरणागति उन्होंने स्वीकार की और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकांश सैनिकों को औरंगजेब ने मार डाला युद्ध में। औरंगजेब के बारे में आप सभी जानते हैं, थोड़ा क्रूर था, निष्ठुर था, लेकिन बहुत बहादुर भी था। मारा उसने अंग्रेजों को और गाजर मूली की तरह से काट दिया 1688 में। अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से परास्त हुई तो औरंगजेब के पास वो अंग्रेजों के अधिकारी गए और माफी मांगी औरंगजेब से और कहा कि हमको आप माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, बस हमको भारत में रहने की परमिशन फिर से दे दीजिए। औरंगजेब के पहले जहांगीर ने लाइसेंस दिया और औरंगजेब ने उस लाइसेंस को मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता, जहांगीर से गलती हुई, वो गलती मैं नहीं दोहरा सकता और मैं अंग्रेजों की कंपनी का लाइसेंस निरस्त करूंगा और आपको मार के वापस इंग्लैंड भेज दूंगा। तो अंग्रेज घबरा गए, परेशान हो गए, औरंगजेब के सामने गए, चरणों में गिर गए, रोने लगे, पीटने लगे छाती उसके सामने। थोड़ी देर में औरंगजेब द्रवित हो गया और उसने कहा अच्छा जाओ तुम्हें माफ किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया उसने। और ये भूल फिर औरंगजेब कर गया कि 1688 में जब अंग्रेज पराजित हो गए तो फिर अंग्रेजों को भगाई देना चाहिए था इस देश से और लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो लाइसेंस फिर रिन्यू हो गया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो गई और फिर इस देश में उन्होंने अपना साम्राज्य और व्यापार स्थापित कर लिया। ये और एक बड़ी भूल हो गई, एक भूल सिराजुद्दौला के समय में, एक भूल जहांगीर के समय में, एक भूल ये औरंगजेब के समय। उसके बाद और एक भूल हुई, हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से लड़ने वाले कई राजा थे जिन्होंने अपना एक समूह बनाया था। एक बहुत बहादुर मराठा साम्राज्य के एक मालिक हुआ करते थे, उनका नाम था जसवंत राय होलकर। उनकी सेना ने बहुत सारे भारतीय राजाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की थी और जसवंत राय होलकर का यह संकल्प था कि अंग्रेजों को मार के भगा देना इस देश में से, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। और यह निर्णायक लड़ाई 1805 की बात है। 1805 में जसवंत राय होलकर ने सिंधिया साम्राज्य की सेना को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई थी और पंजाब में एक महाराजा हुआ करते थे रणजीत सिंह, उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम तीनों राज्य मिलकर अगर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे तो अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक संधि करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह था कि वो संधि नहीं हो पाई। जसवंत राय होलकर की सेना पंजाब में ब्यास नदी के पास तक आ गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए और सिंधिया परिवार की और सिंधिया साम्राज्य की सेना को उसमें आकर मिलना था, लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी करके सिंधिया के साथ एक अलग समझौता कर लिया। सिंधिया परिवार में एक राजा हुआ करते थे दौलत राव सिंधिया, उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, संधि कर ली और उसमें अंग्रेजों ने उनसे वचन ले लिया कि आपकी सेना कभी भी हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए किसी के साथ नहीं जाएगी। तो दौलत राव सिंधिया का यह समझौता जसवंत राय होलकर को भारी पड़ गया तो सिंधिया की सेना वहां नहीं आई। और इसी तरह से अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक अलग से समझौता कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह की सेना से वचन ले लिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का सहयोग नहीं करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना भी नहीं आई, सिंधिया की भी सेना वहां नहीं पहुंची और खाली जसवंत राय होलकर की सेना पहुंची। और उसने जब देखा कि दोनों राज्यों की सेना वहां नहीं है तो वो भाई बहुत परेशान हो गया, फिर भी उसने बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को मुकाबला ही नहीं किया, पराजित किया
और पराजित करके वो वहां से फिर वापस लौटा, लेकिन वो बहुत निराश हो गया और उसके मन में हमेशा एक बात थी कि भारत के ही राजा, भारत की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी सेना नहीं दे सकते तो कौन विदेशी आकर भारत की रक्षा करेगा। और उसने अपने मन में यह बना लिया कि अब तो शायद भगवान भी भारत की रक्षा नहीं करेगा, जब भारत के राजा अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाने को तैयार नहीं है तब तो भगवान की ही मर्जी ऐसी है। और वो निराश होकर वहां से लौट गया। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, जिन अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ समझौता किया था उन्हीं अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य खत्म करा दिया और अंग्रेजों का कब्जा पूरे पंजाब पर हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में जब तक ताकत थी अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया और जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की ताकत कम होना शुरू हुई 1848 के आते आते अंग्रेज पूरे पंजाब पर हावी हो गए और पूरा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को अंग्रेज पकड़ ले गए यहां से और लंदन में ले जाकर उसको कैद कर दिया। और महाराजा रणजीत सिंह की जो धर्मपत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर उनको पकड़कर अंग्रेज ले गए उनके राज्य से और बनारस में दर दर की ठोकरें खाते हुए उनका अंतिम शरीर बीता, माने अंतिम समय बीता। तो महारानी जिंदा कौर जो पंजाब की महारानी थी और महाराजा रणजीत सिंह का बेटा राजा दिलीप सिंह जो महाराजा होना चाहिए था पंजाब का, ये दोनों को अंग्रेजों ने बहुत बड़ी दुर्दशा की थी। और महाराजा दिलीप सिंह को तो लंदन में ले जाकर अंग्रेजों ने जबरदस्ती एक अंग्रेज लड़की से उनकी शादी करा दी और उनको हिंदू से ईसाई बना दिया। और उसके बाद राजा दिलीप सिंह को आने नहीं दिया अंग्रेजों ने। और जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि राजा दिलीप सिंह को लंदन में बंदी बना के, महारानी जिंदा कौर को बनारस में निर्वासित करा के महाराजा रणजीत सिंह के खजाने का सबसे कीमती तोहफा जिसको आप कोहिनूर हीरा कहते हैं वो अंग्रेज छीन कर ले गए। और वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों की महारानी के मुकुट में जड़ा रहता है और आज तक अंग्रेजों के ही कब्जे में है, भारत में वापस नहीं आया। उस कोहिनूर हीरे की कीमत दुनिया के जौहरी लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये बेमूल्य है, बेमिसाल है, अनमोल है। तो हमारा सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर अंग्रेजों ने लूटा और वो यहीं से लूटा था, पंजाब राज्य से लूटा था और महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से लूटा था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का खजाना 1850 तक आते आते अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था और उनका बेटा दिलीप सिंह अंग्रेजों के कंट्रोल में था, वो कुछ कर नहीं सकता था। बस रोता बिलखता वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता रहता था। आज तक वो हीरा महारानी के मुकुट में है और अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। आप कभी चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। मैं थोड़े दिन पहले गया था उस हीरे को देखने के लिए, बहुत कोशिश की मैंने कि इसका मैं फोटो उतार लूं, लेकिन अंग्रेजों ने वो फोटो नहीं उतारने दिया मुझे। मेरा कैमरा वहीं रखवा लिया, मेरा मोबाइल बाहर रखवा लिया, उसका फोटो नहीं उतारने दिया। और वहां रहने वाले जो भारतवासी हैं उनको मैंने कहा कि आप तो 20 साल से 25 साल से 30 साल से यहां रहते हैं, क्या आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक फोटो उतार के दे दें? तो कहने लगे जब ये हीरा हमारा था तब तो ये हो सकता था, अब तो अंग्रेजों के कब्जे में है तो हम भूल ही जाए तो अच्छा है। ये हमारी मानसिकता बन गई है। जो भारतवासी इंग्लैंड में रहते हैं उनकी ये हैसियत हो गई है कि वो कहते हैं कि इसको तो भूल ही जाए तो अच्छा है। तो अंग्रेजों ने कोहिनूर लूटा यहां से, अंग्रेजों ने कितने खजाने लूटे हैं यहां से और किस तरह से दुर्दशा हुई है हमारे देश की, ये उसकी छोटी छोटी बातें हैं। हमने कुछ भूलें की हैं इतिहास में और उसमें से एक बड़ी भूल कि हम मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़े। भारत में 565 राजा थे, अंग्रेज बहुत छोटे थे उनके सामने। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक साथ सारे अंग्रेजों को अगर खड़ा कर दिया जाए पूरे भारत में तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 52,000 के आसपास थी। आप ही सोचो, 52,000 अंग्रेजों को अगर 22 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते तो चींटी की तरह से मसल सकते थे एक दिन में, लेकिन वो हम नहीं कर पाए।
क्यों नहीं कर पाए? ये जो 22 करोड़ भारतवासी थे, ये 565 रियासतों में बटे हुए थे, हर रियासत का एक राजा था, वो दूसरे राजा से नफरत करता था, दूसरा राजा तीसरे से नफरत करता था, तीसरा चौथे से नफरत करता था, राजाओं में आपस में एकता नहीं थी, उन्होंने आपस में संवाद नहीं किए, उन्होंने आपस में कोई संगठन नहीं बनाया, नहीं तो अंग्रेजों का साम्राज्य तो कभी बन ही नहीं पाता इस देश में। तो इतिहास से जो हमें सबक सीखना है वो ये कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हम कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने ही थोड़े विदेशी हमारे ऊपर हमला करें। और अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई विदेशी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। तो इतिहास की इन भूलों से जो हमें सीखना है वो ये कि हम संगठित रहें, सुगठित रहें, कभी भी हमारे आपस की दीवारें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि हम अलग अलग हो जाएं। जैसे हमारे राजाओं ने गलती की, वो गलती हम भविष्य में ना करें, तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा। तो ये जो बातें मैंने आज आपके सामने कही हैं, इनके पीछे एक ही बात है जिसके लिए मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की, कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है, अभी काफी ताकत बढ़ चुकी है, थोड़े दिन में और बड़ी ताकत होने वाली है, संख्या तो हमारी बढ़ने ही वाली है, ताकत तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन ये बढ़ी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, 22 करोड़ भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे, 52,000 अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए, वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे, विभाजित थे, हमारा संगठन नहीं था, आपस में संवाद नहीं था, एकता नहीं थी, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए। और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहां से भाग जाना ही पड़ा। एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में, और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में। नाना साहब पेशवा एक बड़ी रियासत के मालिक थे और वो रियासत थी पूना की, जिसको हम मराठी में पुणे कहते हैं। पुणे की रियासत पेशवाओं की रियासत थी और नाना साहब पेशवा के पिता उसके मालिक थे। अंग्रेजों ने उनके साथ चालाकी और गद्दारी की थी और उनको उनकी रियासत से बेदखल कर दिया था, और नाना साहब पेशवा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़कर बिठूर नाम के एक छोटे से स्थान में रहना पड़ा था। बिठूर कानपुर के पास एक छोटा सा गाँव है, नाना साहब पेशवा वहां के रहने लगे थे। रात दिन उनके दिल में एक ही कसक थी कि मेरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया है, ऐसे ही भारत के सभी राज्यों को अंग्रेजों ने छीन लिया है। तो नाना साहब पेशवा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हर राजा के पास जाकर संगठन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे संगठन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगठन की तरफ से यह तय हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से, क्योंकि उनकी ताकत बड़ी नहीं है अगर हम संगठित हो जाएं तो। ये नाना साहब पेशवा को समझ में आ गया, उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया, ताकत इकट्ठी हो गई। अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया, वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी, और वो बगावत का दिन तय किया गया, वो था 31 मई 1857। और नाना साहब पेशवा ये संगठन बनाने का काम कर रहे थे 1853 से, तो 1853 से 1857 चार साल में देश में एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया। और उस संगठन की तरफ से घोषणा हुई कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होगा और अंग्रेजों को मार काट के हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा। और आपको मैंने बताया कि यह बहुत संभव था, क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, मात्र 52,000, तो यह संभव था और यह हो जाता। लेकिन वहां पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई, और वो भूल क्या हुई, हमारे देश में
एक बहुत क्रांतिकारी तेजस्वी उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे, उनका नाम था मंगल पांडे। वो अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे, बैरकपुर नाम के स्थान पर उनकी पोस्टिंग थी। तो उनको एक दिन किसी ने यह बता दिया कि सेना में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं उन कारतूसों को चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ता है और उसमें गाय की चर्बी लगी होती है। ये मंगल पांडे को किसी ने बताया। मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आंखों से देखना चाहता हूं। तो जिस व्यक्ति ने उनको ये जानकारी दी उसने ले जाकर दिखा दिया कि चर्बी वाले कारतूस कैसे तैयार होते हैं। तो मंगल पांडे का गुस्सा आसमान फाड़ गया। वो ज्यादा कट्टर भारतीय थे, गाय के प्रेमी थे, गोरक्षा के मानने वाले थे, उनके परिवार के लोग भी गोरक्षा को मानने वाले थे। उनको जब पता चला कि गाय की चर्बी के कारतूस बनते हैं, इसका माने गाय का कत्ल किया जाता है, फिर उसकी चर्बी से कारतूस बनाए जाते हैं और वो हमको मुंह से खोलने पड़ते हैं, तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो उन्होंने तय कर लिया कि इन अंग्रेजों को सबक सिखाना। तो वो भी नाना साहब पेशवा के संगठन में शामिल हुए और नाना साहब पेशवा ने तारीख तय की थी कि 31 मई को एक साथ पूरे देश में विद्रोह होगा, लेकिन मंगल पांडे ने वो 31 मई का इंतजार नहीं किया। उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दी अकेले। तय हुआ था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी 31 मई को, उससे काफी पहले 29 मार्च को ही उन्होंने बगावत कर दी। और उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मेजर ह्यूसन, उसको गोली मार दी मंगल पांडे ने बैरकपुर में, और भरी सभा में गोली मारी। सेना की परेड होने के लिए सैनिक मैदान में खड़े थे, मेजर ह्यूसन कुछ आदेश दे रहा था। मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को एक सवाल पूछा कि क्या हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है, तो मेजर ह्यूसन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मंगल पांडे ने पूछा, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है। मेजर ह्यूसन ने ना हां कहा ना ना कहा, बस इसी पे गुस्सा आ गया मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे के पास अपनी बंदूक थी, गोली उन्होंने मेजर ह्यूसन को मार दी। जैसे मेजर ह्यूसन मरा और गिरा तो उसके नजदीक में एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था, उसका नाम था कर्नल वाघ। वो झपट्टा मार के मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मंगल पांडे ने दूसरी गोली उसको मार दी और वाघ भी वहीं ढेर हो गया। उसके बाद एक तीसरा अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने बंदूक के आगे का वो होता ना छुरा लगा हुआ, वो उसके पेट में घुसेड़ दिया और वो भी धराशायी हो गया। तीन अंग्रेज अधिकारी वहां मर गए तड़प तड़प कर। उसके बाद मंगल पांडे चिल्लाया और उनके जो सहयोगी सैनिक थे और कहा कि मैं अकेला अगर तीन अंग्रेजों को मार सकता हूं तो तुम सब मिलकर कितने अंग्रेजों को मार सकते हो, उठो आगे बढ़ो, क्रांति का समय आ गया, जितने अंग्रेज अधिकारी हैं इन सबको मार दो यहां पर। लेकिन मुश्किल यह हो गई कि बाकी जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि हमने तो 31 मई का संकल्प लिया हुआ है और आप अभी हमसे कह रहे हो क्रांति करने को, सारे देश में 31 मई को क्रांति होगी और आप कहते हो आज ही करो। तो वो धर्म संकट में थे कि नाना साहब पेशवा के संगठन से चूंकि जुड़ चुके हैं तो संगठन का आदेश माने या मंगल पांडे का आदेश माने। इसी उधेड़ बुन में वो कुछ नहीं कर पाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उतनी देर में अंग्रेजों की फौज आ गई और अंग्रेजों की फौज ने मंगल पांडे को पकड़ लिया। और मंगल पांडे ने कोशिश की कि वो अपने को गोली मार के खत्म करें, लेकिन वो गोली उनके शरीर को छूती हुई निकल गई, वो जीवित रह गए। अंग्रेजों ने फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। और 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो सारे देश में यह खबर आग की तरह से फैल गई।
मंगल पांडे की सेना के जो सैनिक थे उनके सहयोगी, उन्होंने छोटे छोटे समूह बना लिए और वो समूह के रूप में गांव गांव घूमना शुरू कर दिया। और 31 मई को जो क्रांति होने वाली है उस क्रांति की तैयारी में वो सब लग गए। लेकिन फिर एक छोटी सी भूल हो गई कि जो सैनिक गांव गांव घूमकर क्रांति की तैयारी में लगे हुए थे वो सबको बता रहे थे 31 मई को करना है। लेकिन यहां मेरठ हमारे नजदीक में है, यहां मेरठ में कुछ अति उत्साही नौजवानों ने कहा 31 मई तक कौन इंतजार करेगा, अभी करना है। तो मेरठ में 10 मई को क्रांति शुरू हो गई। और मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, उन्होंने बगावत करके अंग्रेजों के घर जला दिए और जो अंग्रेज थे उनको मार डाला। और फिर वो सैनिक मेरठ से दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर उन्होंने ये कहना शुरू किया 31 मई तक कौन इंतजार करेगा, अभी करो। तो दिल्ली के सैनिक भी उनकी हां में हां मिला के 12 मई को दिल्ली में क्रांति हो गई, फिर 13 मई को दिल्ली के पड़ोस में हो गई। और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीफोन का, कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीग्राम का, कम्युनिकेशन था नहीं रेडियो का। उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव गांव जाता था। तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की। अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है। तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ। अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी 3 महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा ली बाहर से, फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया। और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया। बिठूर में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा, सबको गर्दन से काटा। और धीरे धीरे सारे क्रांतिवीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दुर्भाग्य उस समय यह भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी। ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ। एक बार मौका आया, हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलतराव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूं कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह,
और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे, तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा, और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूं कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी, क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें, उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करें। इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।